माशा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जिसने हमें पैदा किया और इतनी नेमतों से नवाजा। आज की इस वीडियो करते हैं जी शुरू। आज बनाएंगे हम मरूंडा, चीनी वाला मरूंडा। तो रेसिपी मैंने देखी थी, पता नहीं कैसी बनती है कैसी नहीं बनती। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, तरकीब बता दूँ आपने क्या करना है। साइड पर लिखी भी आ रही है। ले लेना चावल, लेने हैं आपने कच्चे, उसे उनको उबाल लेना है। चावलों को उबालने के बाद जब वो उबल जाएँ उनसे पानी निकाल कर, पानी निकालने के बाद उन्होंने उनको धूप में या छांव में किसी ऐसी जगह डाल देना जहाँ पर वो सूख जाएँ आसानी से। तो उनको सुखाने के बाद उनको जब वो सूख जाएँ अच्छे तरीके से, तो चावल जो है सूख गए हैं, काफ़ी तकरीबन टाइम लगा इसको सूखने के लिए। तो चावल सूख गए हैं, तो ऑयल भी हमने गर्म कर ली है। तो अभी चूल्हा जो जल रहा है तो इसके अंदर हम चावल डालेंगे। तो अभी इसके अंदर चावल डालने हैं, इस तरह बन जाएंगे। अपना हाथ बचा के इतनों को हम निकाल लेंगे जितने हमने। हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे में एक कागज़ रखेंगे, तो इसके साथ जो मरूंडा है वो जुड़ जाएगा। इसलिए हम इस पर जो है वो ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जुड़ेगा नहीं है। तो हमें इसके ऊपर घी लगाते हैं। हमने अच्छी तरह से इसके अंदर घी लगा लिया है। पता लगाना कि चास रेडी हो गई है कि नहीं। आपने एक गिलास लेना है, उस गिलास में ही चास डालनी है। अगर तो ये लिक्विड बन जाए तो अभी चास रेडी नहीं है, अभी हमारी चास रेडी नहीं है, अभी थोड़ी देर और लगाएंगे। अगर वो उसी तरह से नीचे बैठ जाए, पानी आपने ठंडा लेना है उसी तरीके से नीचे बैठ जाए, तो अभी आपकी चास तब रेडी हो जाएगी। जब ऐसे अब रेडी नहीं है हमारी चास, थोड़ी देर और लगेगी। तब तक आपने जो चीज़ें डालनी है, मैंने गिरी और ये मेवा डालना है, तो आपने ये ले लेना है। ये लेने के बाद आपने ये ट्रे जिसके आपने ऊपर घी लगाया हुआ है, एक कागज़ रखकर आपने उसके ऊपर ये लगा लेनी है। तो आपने जो लगाना हो वो लगा लेना, मैंने ये लगा ली है। तो इस तरह आपने लगा लेनी है। तो चास हमारी, फिर हम देखते हैं कि चास रेडी हुई कि नहीं। मेरे ख्याल से चास हमारी रेडी हो गई है। तो अभी पानी में हम मिक्स करके देखते हैं। ये देखें हमारी चास उसी तरीके से नीचे बैठ रही है, मतलब चास रेडी हो गई है हमारी। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसको। हमारी चास थोड़ी सी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको निकाल के इस ट्रे में रख लेना। आपने डाल लिया, इसे अच्छी तरह आपने नीचे दबा देना है। साइड से अच्छी तरीके से जुड़ा नहीं है, ये जो सही जुड़ गया। तो ये इसलिए नहीं अच्छे से जुड़ा क्योंकि जो मैंने जिसमें ये बनाया है उसमें घी था, जिसमें चास मैंने बनाई है। आपने चास में घी नहीं डालना थोड़ा सा भी, तो इस वजह से ये नहीं जुड़ा। तो आइंदा आपने ध्यान रखना है जैसे भी आप बनाएं। तो ये बिल्कुल ठीक बन गया। अब इसकी ये जब जम जाएगा उसकी टिक्कियाँ, इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है आपने। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करूँगा बेस्ट बनाने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी गर्मी वाली कुकिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करेंगे आप अगर अच्छी लगी तो। चैनल को सब्सक्राइब, गर्मी बहुत बोला नहीं जा रहा। जो जुड़ना था वो जुड़ गया। अब इसकी टिक्कियाँ जो नहीं बननी क्योंकि ये अभी ठीक से जुड़ा नहीं है, टिक्कियाँ खुद बन गई हैं माशाल्लाह।
माशाल्लाह एक ये टिक्की बन गई। हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में वन, ये ठीक से जुड़ी नहीं है तो इसलिए सॉरी। हम नेक्स्ट टाइम गुड़के बनाएंगे और बहुत बेस्ट तरीके से बनाएंगे हम। तो जितने बने हैं हो सके हैं मैंने ठीक बनाए हैं, तो ये तकरीबन सही बन गई। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से गर्मी में वीडियो बनाई है मैंने। ढेर सारे बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।